हाय गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको तिलगुड़ बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत आसान तरीके से भी बन जाता है और फेस्टिवल्स में और कहीं भी आप बना सकते हो। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। तिलगुड़ बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। 2 टेबल स्पून घी, 1/2 किलो तिल, 1 कप रोस्टेड सिंगदाना, इसका छिलका निकाल लिया है, और 1/2 किलो गुड़। इसे इस तरह से तोड़ लें। चलिए तिल गुड़ बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई लाल होने के बाद इसके अंदर तिल डाल दें और इसे लगातार चलाते रहें। इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। इसी तरह से तिल गुड़ को आप सर्दियों में कभी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन ये मकर संक्रांति पे विशेष रूप पे बनाया जाता है। अब हमारा तिल हल्का ब्राउन हो चुका है, इसे अलग प्लेट में निकाल दें। देखिए, आपको इस तरह से ब्राउन करना है। अब इसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डाल दें। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। घी थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसके अंदर गुड़ डाल दें। हमें इसी तरह से गुड़ को चलाते रहना है जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। देखिए, अब गुड़ मेल्ट होना शुरू हो चुका है। अब इसे 3 से 4 मिनट और पकाना है लो फ्लेम पे। गुड़ में अगर इस तरह से झाग आने लगे तो समझ लीजिए हमारा गुड़ रेडी हो चुका है। 1 कटोरी में पानी ले और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाले, और ये देखिए गुड़ चिपक नहीं रहा है और सॉलिड बन चुका है। अब इसे एक प्लेट पे मारे और ये चिपके नहीं तो ये परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। अब ये सही समय है इसके अंदर सिंगदाना और तिल डालने का। अब आप गैस बंद कर दे, दोनों को गुड़ में अच्छी तरह से मिक्स कर दे। अभी सर्दियां शुरू हो चुकी है, आप ये लड्डू बनाएं घर पर। तिल और सिंगदाना दोनों ही गर्म होते हैं, इसलिए ये शरीर को थोड़ा गर्मी प्रदान करते हैं। हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब हमें ये लड्डू बांधने हैं। हमें इसे गर्म गर्म ही बांधना है, अगर ये ज़्यादा ठंडा हो गया तो जम जाएगा। हाथ पर थोड़ा सा पानी लगाएं और इसका लड्डू बनाना शुरू कर दें। लड्डू वाकई में गर्म है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी अप्लाई करते रहिएगा। इसी तरह से आप सब बना ले। आप भी इसी तरह से तिल गुड़ बनाए, खाए और अपने अनुभव कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।